लोकसभा चुनाव के दौरान कोटा में हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा के मामले में जिला प्रमुख सुरेंद्र गोचर ने जिला परिषद के सीईओ पर राजनीतिक द्वेषता करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर जिला प्रमुख ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। कोटा जिला प्रमुख सुरेंद्र गोचर का कहना है कि सरकार के पंचायती राज विभाग ने 23 अप्रैल को एक पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए थे कि 1 मई को मजदूर दिवस होने के कारण नरेगा मजदूरों की छुट्टी रखी जाए, साथ ही किसी दूसरे दिन मजदूरों को कार्य दिवस दिया जाए। लेकिन सीईओ चौधरी ने 2 मई की जगह 25 अप्रैल को, जिस दिन गुरुवार होने के चलते नरेगा में अवकाश घोषित था, उस दिन कार्य दिवस रखने के आदेश जारी कर दिए। संयोग से 25 अप्रैल को कोटा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा थी, इस कारण नरेगा मजदूर राहुल गांधी की सभा में नहीं पहुंच सके। जिला प्रमुख गोचर ने बताया कि नरेगा कांग्रेस की शुरू की गई योजना है और राजनीतिक द्वेषता के चलते सीईओ चौधरी ने राहुल की सभा वाले दिन को ही नरेगा का कार्य दिवस चुना, इससे नरेगा मजदूर सभा में नहीं पहुंच सके। सीएम गहलोत को लिखे पत्र में कहा कि यदि मजदूर सभा में पहुंचते तो वो राहुल की योजनाओं को सुन पाते और आज कांग्रेस का परिणाम कुछ और होता। इसमें पंचायत राज से ये जारी हुआ, इसमें श्रमिक दिवस 1 मई को है तो कार्य दिवस 2 तारीख को रखना था, तो 2 तारीख को नहीं रख करके 7 दिन पूर्व में ही इन्होंने एक कार्य दिवस रख लिया। लेकिन इन्होंने 25 तारीख में रखने का कारण ये है, ये सामने आता है कि ये राजनीतिक दोस्ता के कारण हमारी जिला परिषद के सीईओ के द्वारा ये